मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोश जिले के बड़वाहा विधानसभा के ग्राम ढकल गांव चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में आम सभा की। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आते ही भाजपा के स्टार प्रचारक उपचुनाव में अपना दमखल लगा रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में ठेठ ग्रामीण इलाके में चुनावी सभा लेने पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के एक्टर और डायरेक्टर वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी डायरेक्टर है और किसानों को 6,000 दे रहे हैं और मैं एक्टर हूँ जो 4,000 रुपए दे रहा हूँ। विकास से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। सीएम शिवराज चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी को लेकर दिए बयान पर जमकर कटाक्ष किया। मध्य प्रदेश की धरती पर कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सबने मिलकर अगर सिंचाई की तो सिंचाई की 7.5 लाख हेक्टर, पर जब ये हेक्टर मुख्यमंत्री बना तो सिंचाई बढ़ा के करके हमने 42 लाख हेक्टर। और आज मैं फिर जा रहा हूं किसान भाई हमारी कोशिश होगी किसान के हर खेत में पानी पहुंचे, कोई कसम नहीं छोड़ेंगे। अभी भी 1,000 करोड़ रुपए के काम हमने शुरू किए। जब तुम्हारी सरकार थी कमलनाथ जी तो पूरा प्रदेश बेहाल था, सड़कों का ना पता नहीं था, अगर गाड़ियों में जाते थे तो गाड़ी खाए हिंच बोले हटा कचरा सारे बोले यहाँ लागे संगत बोले, गाड़ी टूटने के साथ साथ शरीर भी ब्रेक हो जाता था। हमने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया। हम एक्टर हैं और मोदी जी डायरेक्टर है। कमलनाथ जी कांग्रेस इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रही है, अरे ये डायरेक्टर है नरेंद्र मोदी जी जो देश को चला रहे हैं।